Hello students and parents, welcome to our course all about Olympiad exams. Last video में हम लोगों ने NCO के बारे में पूरी details check की थी, right? National Cyber Olympiads. उसमें हम लोगों ने बहुत सारे detail section हम लोगों ने देखे थे, like how to participate, exam dates क्या होते हैं, awards कैसे distribute किए जाते हैं, क्या-क्या होते हैं, और सारे के सारे FAQs जो है, वो हम लोगों ने last video में पूरे detail में check किए थे. अभी आगे के कुछ जो एग्जाम्स हैं उनमें भी सेम ही डिटेल्स है, बट कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, वही हम लोग यहाँ पे आज चेक करने वाले हैं इस वीडियो में. ओके, सो पहले स्टार्ट करते हैं हम NSO से. NSO स्टैंड्स फॉर नेशनल साइंस ओलंपियाड. ओके, सो बाकी की डिटेल जो है वो सेम ही है ऑलमोस्ट जो हम लोगों ने कवर की थी लास्ट वीडियो में. यहाँ पे अलग क्या क्या है वो चेक कर लेते हैं. पहले देख लेते हैं हाउ टू पार्टिसिपेट में. यहाँ पे जितने भी रूल्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, कहीं कहीं पे जो वेरिएशन है वो मैं आपको बता देता हूँ. ये जो एग्जाम है ये क्लास फर्स्ट से लेके 12 तक होती है. एनसीओ जो है एनसीओ फर्स्ट से लेके 10 तक थी, राइट. यहाँ पे क्लास फर्स्ट से लेके 12 तक ये एग्जाम आप लोग दे सकते हो. बाकी के डिटेल्स ऑलमोस्ट सेम है. यहाँ पे अगर आपको कोई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है तो आप उनके मेल आईडी पे सर्च कर सकते हो, उनको इंक्वायरी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो. फाइन, ये उनका ऑफिस का नंबर है. उसके बाद आते हैं रोल नंबर्स. रोल नंबर्स में सेम बात है, स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद एक स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम दे सकता है. रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑलमोस्ट सेम ही है, 125 रुपीज़ फॉर इंडिया, बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल. ओके, अदर कंट्रीज़ के लिए अलग है. उसके बाद यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम है ये लेवल वन नहीं है, लेवल वन प्लस लेवल टू है. ओके, द SOF नेशनल साइंस ओलंपियाड इज कंडक्टेड एट टू लेवल्स. एक इसमें फर्स्ट लेवल होता है, दूसरा सेकंड लेवल होता है. फर्स्ट लेवल में क्या क्या है, द लेवल वन कंपटीशन इज टेस्ट ऑफ 60 मिनट ड्यूरिंग द लेवल वन कंपटीशन इज अ टेस्ट ऑफ 60 मिनट्स ड्यूरेशन कंप्राइजिंग 35 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर क्लास फर्स्ट टू फोर्थ. ओके, उनके लिए 60 मिनट्स का ये टेस्ट रहेगा जिसमें कि 35 क्वेश्चंस रहेंगे मल्टीपल चॉइस. ओके, उसमें क्या क्या कवर किया जाएगा, एक सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा होता है साइंस एंड तीसरा होता है अचीवर्स सेक्शन. ओके, क्योंकि ये SOF है तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है ये साइंस पे रहेगा. बाकी के पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम है, इंग्लिश में ही होता है. जो सिलेबस है वो CBSE, ICSE एंड स्टेट बोर्ड के ऊपर डिपेंड है. एग्जाम लेवल वन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग स्कूल आवर्स. ओके, उसके बाद लेवल टू पे क्या होता है वो भी देख लेते हैं. द लेवल टू इज कंडक्टेड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड से लेकर 12 तक ही होता है. ओके, यानी फर्स्ट सेकेंड के लिए लेवल वन ही है एंड थर्ड से लेके 12 तक जो है लेवल टू एग्जाम दिया जाएगा. द क्वालिफायर्स टू सेकेंड राउंड वुड इंक्लूड फॉलोइंग, क्या क्या है उसमें, एट इंटरनेशनल लेवल. ओके, यानी टॉप 5% जो कैंडिडेट्स है क्लास वाइज हु अपीयर इन फर्स्ट लेवल एग्जाम इंटरनेशनली, ये लेवल टू के लिए बैठ सकते हैं. उसके बाद जोन स्टेट लेवल टॉप 25 रैंक होल्डर्स जो है, ओके, इच जोन एंड इच क्लास, वो भी सेकंड लेवल के एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं. एंड एट स्कूल लेवल क्लास टॉपर, जहाँ पे एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो भी इस एग्जाम को बैठ सकते हैं जिन्होंने 50% एटलीस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स अर्न किए हैं. फाइन, ये तो था जो जो अलग अलग पॉइंट्स है NSO के उसके बारे में. इसके बाद आते हैं एग्ज़ाम डेट्स के ऊपर. एग्ज़ाम डेट जो है तीन एग्ज़ाम डेट्स हैं, 3rd November, 10th November एंड 26th November 2020. फाइन, उसके बाद यहाँ पे हम लोग अवार्ड्स में आते हैं.
अवार्ड्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा। जो एनसीओ में दिखाए गए अवार्ड्स है वही अवार्ड्स हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे भी मिलेंगे। खाली नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं जिनको अवार्ड मिलेंगे वो वैरी हो जाएंगे। ओके, इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट रैंक, सेकंड एंड थर्ड रैंक, अलग अलग 12 स्टूडेंट्स को ये अवार्ड दिए जाएंगे। जोनल लेवल पे जो है फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड रैंक के लिए 312 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। फोर्थ टू टेंथ जो रैंक्स है उनमें जितने स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए जाने वाले वो है 2184। 11 से लेकर 25 तक 4680 एंड 26 प्लस जो है उनको मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस तरीके से प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फाइन, एंड अवार्ड्स फॉर लेवल वन परफॉर्मेंस। ओके, फर्स्ट से लेकर 25 तक जिन्होंने रैंक अर्न किया है उनको मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन मिलेगा प्लस सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन। इसमें कितने स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए जाएंगे? 7800। एंड 26 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं रैंक में उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए। सो ये थे कुछ ऐसे डिटेल्स जो कि अवार्ड्स के बारे में है। बाकी के एट स्कूल लेवल के जो अवार्ड्स है वो ऑलमोस्ट सेम ही है जो हम लोगों ने एनसीओ में कवर किए थे। फाइन, अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एफएक्यूज का। एफएक्यूज में जो है सारे के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है जो हम लोगों ने एनसीओ में कवर किए हुए हैं। सो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चंस रिपीट नहीं करूँगा। इसके बाद देख लेते हैं IMO। IMO stands for International Mathematics Olympiad। Fine। इसके क्या क्या अलग डिटेल्स है देख लेते हैं। हाउ टू पार्टिसिपेट में जाएंगे। ये भी जो एग्जाम है ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12 तक दी जाती है। यहाँ पे भी अलग अलग दो लेवल्स होते हैं, लेवल वन एंड लेवल टू। ओके, फीस ऑलमोस्ट सेम ही है। लेवल वन के लिए क्या है, सेम पैटर्न क्वेश्चंस रहेंगे, 35 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे फर्स्ट से लेके फोर्थ स्टैंडर्ड तक, एंड 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे फिफ्थ से लेके 12 तक। यहाँ पे क्या क्या कवर किया जाएगा वो ज़्यादा देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। एक है लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा है मैथमेटिकल रीजन, तीसरा है एवरीडे मैथमेटिक्स एंड चौथा है अचीवर्स सेक्शन। यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे एक्चुअली 4 सेक्शंस कवर किए जाएंगे। फाइन, सो वो बात ध्यान में रखिए। बाकी का जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। कौन लेवल 2 के लिए अपीयर होगा यहाँ पे दिया गया है। ओके, एट इंटरनेशनल लेवल टॉप 5% जो कैंडिडेट है वो जोनल लेवल पे, टॉप 25 रैंक होल्डर्स जो है एंड स्कूल लेवल पे जिसने क्लास में टॉप किया है वो स्टूडेंट्स जो है लेवल 2 के लिए अपीयर हो सकते हैं। ओके, इनका जो एग्ज़ाम डेट है वो भी देख लेते हैं। इनका एग्ज़ाम डेट है 1st December, 8th December and 17th December 2020। Fine। Award system same ही रहेगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा changes नहीं आएंगे। खाली जो number of awards है वो शायद change हो सकते हैं, वो भी almost same ही है। Okay, ज़्यादा changes नहीं है। So जो first video में मैंने NCO में cover किया है वो आप वहाँ पे डिटेल पूरी की पूरी चेक कर सकते हो। FAQs में जाते हैं तो सेम ही यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो भी आप फर्स्ट वीडियो में जो है चेक कर सकते हो। इसके बाद आते हैं हम लोग SOF IEO। IEO stands for International English Olympiad। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड ये ओलम्पियाड है। हाउ टू पार्टिसिपेट में जाता है, फर्स्ट से लेके 12th स्टैंडर्ड तक ये एग्जाम कोई भी स्टूडेंट दे सकता है। एंड ये भी एग्जाम जो है लेवल 2 एग्जाम है। लेवल 1 में जो स्टूडेंट्स
अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे उनको लेवल 2 में लिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। फाइन, बाकी की डिटेल्स ऑलमोस्ट सेम है, रजिस्ट्रेशन फ़ी भी सेम है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सेम क्वेश्चन पेपर पैटर्न है। यहाँ पे दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शंस, क्या क्या है उसमें, इंग्लिश ओलंपियाड है, सो क्या क्या रहेगा, वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज सेक्शन 1, सेक्शन 2 में रहेगा उनका रीडिंग स्किल, एंड सेक्शन 3 में जो है स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशंस रहेंगे, एंड सेक्शन 4 में जो है अचीवर्स सेक्शन रहेगा। ओके, ये हो गया लेवल 1 के लिए। एंड जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अपियर होंगे वो लेवल 2 के लिए जाएंगे। इनके डेट्स चेक कर लेते हैं फटाफट। इनके डेट है 8th अक्टूबर, 15th अक्टूबर एंड 27th अक्टूबर 2020। फाइन, अवार्ड्स सेम है, FAQs ऑलमोस्ट सेम है, आप फर्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल जो है चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे ओलंपियाड एग्ज़ाम है इंटरनेशनल कॉमर्स ओलंपियाड। मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो स्टूडेंट्स कॉमर्स फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिनको कॉमर्स फील्ड में से आगे जाना है। ओके, अकाउंटिंग, CA एट्सेट्रा। सो पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि हाउ टू पार्टिसिपेट। द SOF ICO इज ओपन टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 11th एंड 12th। स्टूडेंट शुड रजिस्टर थ्रू देयर रिस्पेक्टिव स्कूल्स ओनली। जो 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं वही यहाँ पे अपियर हो सकते हैं इस एग्जाम के लिए। एंड क्राइटेरिया क्या है, एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स नीडेड है हर एक स्कूल से अगर वो SOF ICO को बैठना चाहते हैं तो। बाकी के इंक्वायरीज आप यहाँ पे पूछ सकते हो, अगर कोई इशू है तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। एंड बाकी की जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे सेम स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। इनका रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है हर एक स्टूडेंट का सेम ही है, 125 rupees इंक्लूडिंग GST। ओके, नाउ यहाँ पे आते हैं द SOF इंटरनेशनल कॉमर्स ओलंपियाड इज़ अ सिंगल लेवल एग्ज़ाम। ये इंपॉर्टेंट है, ये खाली सिंगल लेवल एग्ज़ाम है 11th 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। द टेस्ट इज ऑर्गेनाइज्ड इन रिस्पेक्टिव स्कूल्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। स्कूल आवर्स में ही उनके स्कूल में एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। लेवल 1 कंपटीशन इज अ टेस्ट ऑफ 60 मिनट्स ड्यूरेशन कंप्राइजिंग 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ओके, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 मिनट का टाइम रहेगा फॉर क्लास 11th एंड 12th। इसमें क्या क्या सेक्शन है वो देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शंस। सेक्शन 1 में क्या रहेगा, इकोनॉमिक्स है। ओके, सेक्शन 2 में है बिजनेस स्टडीज, सेक्शन 3 में है अकाउंटेंसी एंड सेक्शन 4 में है अचीवर्स सेक्शन। ओके, ये सारे सेक्शंस है इस एग्ज़ाम के लिए एंड ये लेवल 1 ही एग्ज़ाम है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये आएगा, SOF ICO इज कंडक्टेड ऑन 2 डेट्स फॉर लेवल 1, 2 डेट्स के लिए। इट्स स्कूल में सेलेक्ट अ डेट कंडक्टिंग द SOF ICO एज पर कन्वीनियंस। उसमें से कोई भी एक डेट जो है वो स्कूल सेलेक्ट कर सकता है जैसे उनका कन्वीनियंट टाइम हो उस हिसाब से। द मीडियम इज ओनली इंग्लिश। ओके, एंड सिलेबस डिपेंड रहेगा CBSE, ICSE एंड स्टेट बोर्ड के ऊपर ही क्वेश्चन पेपर्स बनाने के लिए। द एग्ज़ाम इज कंडक्टेड ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। ओके, और कुछ डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इनके इस फ़ोन नंबर पे या फिर मेल ID पे इंक्वायरी कर सकते हो। अगर कोई इशू आता है रिगार्डिंग हॉल टिकट्स एंड रजिस्ट्रेशन। ओके, यहाँ पे दिया गया है एग्ज़ाम डेट 10th डिसंबर 2020 एंड 9th जनवरी 2021। ये दो डेट्स है जहाँ पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे अवार्ड्स में हम लोग देख लेते हैं। अवार्ड्स में क्या है, फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 सेफ विल स्पेंड 20 करोड़ ऑन अवार्ड्स स्कॉलरशिप एंड गिफ्ट्स। फाइन, यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में देख लेते हैं नीचे कि क्या अवार्ड्स है इंटरनेशनल लेवल पे, क्या अवार्ड्स है। फर्स्ट रैंक के लिए 1 लाख ईच प्लस गोल्ड मेडल प्लस सर्टिफिकेट ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, कितने अवार्ड्स दिए जाएंगे, 2 अवार्ड्स। सेकंड के लिए बाकी का सब कुछ सेम है, यहाँ पे जो कैश प्राइज है वो वैल्यू होगा 75,000 होगा, यहाँ पे भी 2 स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे। थर्ड प्राइज है 50,000, फोर्थ प्राइज है 25,000 एंड फिफ्थ रैंक जो है वो है 10,000 ईच। हर एक रैंक के लिए 2 2 स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे। जोनल लेवल पे देख लेते हैं, फर्स्ट रैंक के लिए 10,000 है, यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने सिलेक्ट किए जाएंगे, 52। सेकंड प्राइज है 5,000 ईच प्लस सिल्वर मेडल प्लस सर्टिफिकेट ऑफ जोनल एक्सलेंस, 52 स्टूडेंट्स। थर्ड जो रैंक है उसको गिफ्ट वाउचर गिफ्ट वर्थ 1,000 रुपीज ईच प्लस ब्रॉन्ज मेडल प्लस सर्टिफिकेट ऑफ जोनल एक्सलेंस, 52 स्टूडेंट्स। फोर्थ टू 10th तक के जो रैंक्स है उनको दिया जाएगा गिफ्ट वर्थ 1,000 रुपीज, मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन दिया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन प्लस सर्टिफिकेट ऑफ जोनल एक्सलेंस। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने सेलेक्ट किए जाएंगे, 364। 11 से लेकर 25 जो रैंक्स हैं उनके लिए क्या है, तो सर्टिफिकेट ऑफ जोनल एक्सलेंस है, मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन है, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन है। कितने स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, 780। एंड 26 के ऊपर जो भी स्टूडेंट्स के रैंकिंग्स हैं उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा सारे स्टूडेंट्स को। ओके, ये तो थे सारे ऐसे अवार्ड से रिलेटेड डिटेल्स। उसके बाद बाकी के जो रूल्स है वो ऑलमोस्ट सेम ही है जो हम लोगों ने लास्ट कुछ वीडियोस में कवर किए हुए हैं। यस, बाकी के ऑलमोस्ट रूल सेम है, हम लोग यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं देखने वाले। स्कूल के लिए जो अवार्ड्स है वो भी देख लेते हैं। बेस्ट इंटरनेशनल प्रिंसिपल, ओके, फर्स्ट हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन 50,000 ईच प्लस सिटेशन प्लस ट्रॉफी, कितने अवार्ड्स है, 2। सेकंड हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन 30,000 ईच प्लस सिटेशन प्लस ट्रॉफी, 2 अवार्ड्स। थर्ड हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन, ओके, ये स्कूल को मिलने वाले अवार्ड्स हैं, 20,000 ईच प्लस सिटेशन प्लस ट्रॉफी, 2 अवार्ड्स। एंड बेस्ट इंटरनेशनल टीचर को 10,000 ईच प्लस सिटेशन प्लस ट्रॉफी एंड 2 अवार्ड्स यहाँ पे दिए जाएंगे। जोनल लेवल पे क्या है, बेस्ट जोनल प्रिंसिपल 10,000 ईच प्लस सिटेशन प्लस ट्रॉफी, कितने अवार्ड्स दिए जाएंगे, 130। बेस्ट जोनल टीचर 5,000 ईच प्लस सिटेशन प्लस ट्रॉफी, 78 अवार्ड्स दिए जाएंगे। एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है बेस्ट प्रिंसिपल 2,500 प्लस सिटेशन प्लस ट्रॉफी, 500 अवार्ड्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। बेस्ट टीचर को भी 1,000 ईच प्लस सिटेशन प्लस ट्रॉफी, 500 अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ओके, ये तो थे ICO के अवार्ड्स के डिटेल्स। अब हम लोग आते हैं FAQs में। FAQs में वही क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा अलग से डिटेल नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। फाइन, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे चेंज हो सकती है, ये ICO 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को ही अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, बाकी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th तक के स्टूडेंट्स के लिए ICO नहीं है। फाइन, उसके बाद हम लोग आते हैं IGKO।
IGKO stands for International General Knowledge Olympiad. इसके जो फ़ायदे हैं मैंने पहले कुछ वीडियोस में कवर किए हुए, आप वहाँ से देख सकते हो जनरल नॉलेज ओलंपियाड देने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं. ओके, सो यहाँ पे इनकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं. अभी हाउ टू पार्टिसिपेट में जाता है, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th तक के स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल है. फाइन, एंड सेम अगर आपको कोई इशू आता है रजिस्ट्रेशन में या फिर किसी भी चीज़ में, तो आप उनके मेल आईडी पे या फिर फ़ोन नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हो. एंड मेन चीज़ ये कि ये लेवल 1 का ही एग्ज़ाम है. फाइन, नाउ बाकी के डिटेल्स हम लोग यहाँ पे अभी चेक कर लेते हैं. वो ये कि रजिस्ट्रेशन फ़ी सेम है, 125 रुपीज़. उसके बाद आता है SOF इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड इज़ अ सिंगल लेवल एग्ज़ाम, एक ही लेवल की एग्ज़ाम है. ये क्या क्या कवर किया जाता है ये देख लेते हैं. द लेवल वन कंपटीशन इज़ अ टेस्ट ऑफ 60 मिनट्स ड्यूरिंग ड्यूरेशन कंप्राइजिंग 35 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फॉर क्लास फर्स्ट टू फोर्थ एंड 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फॉर क्लास 5th to 12th. ओके, फोर्थ तक के स्टैंडर्ड के लिए 35 क्वेश्चंस हैं. ओके, 60 मिनट का टाइम है और उसके ऊपर के स्टैंडर्ड्स के लिए 50 क्वेश्चंस है, 60 मिनट का टाइम है. क्या क्या कवर किया जाएगा? क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शंस. क्या क्या है? पहला सेक्शन क्या है? जनरल अवेयरनेस. ओके, उसके बाद आता है पॉइंट सेक्शन 2, करंट अफेयर्स. उसके बाद लाइफ स्किल्स क्या क्या है उसके बारे में. एंड फोर्थ जो सेक्शन है वो है अचीवर्स सेक्शन. ये इस तरीके से उनका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा. बाकी के रूल सेम है, इंग्लिश में ही एग्ज़ाम दिया जाएगा. CBSE, ICSE एंड स्टेट बोर्ड का सिलेबस कंसिडर किया जाएगा इनका टेस्ट पेपर बनाने के लिए. ओके, एंड स्कूल आवर्स में ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा. एंड यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर एंड मेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे आप अदर डिटेल्स के लिए उनको कांटेक्ट कर सकते हो. एग्ज़ाम डेट्स एक बार देख लेते हैं इनके, 10th सितंबर, 15th सितंबर एंड 22 सितंबर 2020. ऐसे 3 डेट्स है अलग अलग. ओके, इनके अवार्ड्स देख लेते हैं. अवार्ड का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा वैरी हो जाएगा. यहाँ पे फर्स्ट रैंक के लिए, इंटरनेशनल लेवल के फर्स्ट रैंक के लिए 50,000 कैश इच प्लस गोल्ड मेडल प्लस सर्टिफिकेट ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. कितने अवार्ड्स हैं यहाँ पे? 10 अवार्ड्स दिए जाएंगे. सेकंड रैंक के लिए 25,000 इच रहेगा सिल्वर मेडल एंड सर्टिफिकेट. 10 स्टूडेंट्स यहाँ पे भी सिलेक्ट किए जाएंगे. थर्ड रैंक के लिए है 10,000 इच प्लस ब्रॉन्ज मेडल प्लस सर्टिफिकेट. कितने अवार्ड्स है? 10 अवार्ड्स यहाँ पे दिए जाएंगे. जोनल लेवल पे आता है, फर्स्ट रैंक के लिए है 5,000 इच प्लस गोल्ड मेडल प्लस सर्टिफिकेट ऑफ जोनल एक्सलेंस. 260 अवार्ड्स यहाँ पे सिलेक्ट किए जाते हैं. सेकंड रैंक के लिए 2,500 इच प्लस सिल्वर मेडल प्लस सर्टिफिकेट ऑफ जोनल एक्सलेंस. कितने अवार्ड्स है? 260. थर्ड रैंक के लिए 1,000 इच प्लस ब्रॉन्ज मेडल प्लस सर्टिफिकेट ऑफ जोनल एक्सलेंस. कितने अवार्ड्स है? 260. फोर्थ से लेकर 10th तक के जो रैंक्स है उनको है गिफ्ट्स वर्थ 1,000 इच प्लस मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन प्लस सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन प्लस सर्टिफिकेट ऑफ जोनल एक्सलेंस. यहाँ पे अवार्ड सिलेक्ट किए जाएंगे 1,820. 11 से लेकर 25 तक जो रैंक्स हैं उनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ जोनल एक्सलेंस दिया जाएगा प्लस मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन है प्लस सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन है. 3,900 अवार्ड्स दिए जाएंगे. एंड उसके ऊपर जो भी स्टूडेंट्स का रैंक है उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, सबके सब स्टूडेंट्स को. बाकी के रूल्स यहाँ पे सेम ही है.
स्कूल लेवल पे क्या क्या अवार्ड्स अवेलेबल है वो देख लेते हैं। बेस्ट इंटरनेशनल प्रिंसिपल के लिए 25,000 ईच प्लस सिटेशन प्लस ट्रॉफी 26 अवार्ड दिए जाएंगे। बेस्ट इंटरनेशनल टीचर अवार्ड जो है उसके लिए है 10,000 ईच प्लस सिटेशन प्लस ट्रॉफी, नंबर ऑफ अवार्ड्स है 26। जोनल लेवल पे चेक करते हैं, बेस्ट जोनल प्रिंसिपल को है 10,000 ईच प्लस सिटेशन प्लस ट्रॉफी, कितने अवार्ड्स 130। बेस्ट जोनल टीचर के लिए 5,000 ईच प्लस सिटेशन प्लस ट्रॉफी, कितने अवार्ड्स है 78। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेक कर लेते हैं, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल 2,500 ईच प्लस सिटेशन प्लस ट्रॉफी, कितने अवार्ड्स है 500 अवार्ड्स। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट टीचर को है 1,000 ईच प्लस सिटेशन प्लस ट्रॉफी, 500 अवार्ड्स यहाँ पे भी सिलेक्ट किए जाएंगे। बाकी के रूल्स सेम है, हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाने वाले। फाइन, सो ये तो थे सारे बाकी के एग्ज़ाम के जो जो अलग अलग डिटेल्स अवेलेबल है वो पूरी के पूरे डिटेल्स मैंने इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। SOF NCO में उनके सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। हाउ टू पार्टिसिपेट के जो डिटेल्स है वो, एग्ज़ाम डेट्स के जो डिटेल्स है वो, एज वेल एज अवार्ड्स को पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। FAQs को मैंने पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। सो सारे डिटेल्स अगर आपको चाहिए एकदम डिटेल्स में, तो आप इस फर्स्ट वीडियो को, इस वीडियो को आप देख सकते हो। फाइन, सो इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।